Good morning students. In our previous class we have read and understand the meaning of this poem Good Morning. And today's class we will do new words and reading is fun. तो सबसे पहले हम करेंगे new words. In our new words first word is creeping. Students वैसे तो creeping की actual meaning होती है लता. लता means वो छोटे plants जिनके स्टेम बहुत ही नाजुक होते हैं और जो कि दीवारों और ज़मीन की सहायता से बढ़ते हैं. बट इन आवर पोयम इट्स मीनिंग इज़ धीरे धीरे आगे बढ़ना. हमारे पोयम में इसका जो एक्चुअल मीनिंग यूज़ हो रहा है वो है क्रीपिंग ग्रास. इट मीन्स वो घास जो कि ज़मीन की सहायता से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. सो वी विल राइट हियर क्रीपिंग इट मीन्स क्रॉल एंड ग्रेजुअली. अवेक मीन्स जागना. स्टॉप स्लीपिंग मीन्स जब हम सो करके उठ जाते हैं दैट इज अवेक. थर्ड वर्ड इज गॉन अवे. गॉन अवे मीन्स चले जाना. We will use here departed and left. Gone away means चले जाना. Now reading is fun. It means we will do here question answer related to this poem. So first question is why is the child in the poem happy? इस पोयम में जो बच्चे हैं वो क्यों खुश हैं? द चाइल्ड इज हैप्पी बिकॉज इट इज मॉर्निंग एंड सी कैन गो आउट टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स. इस पोयम में जो बच्चा है वो खुश क्यों हैं? क्योंकि अब सुबह हो चुकी है और वह क्या कर सकती है? अपने दोस्तों के साथ में खेलने जा सकती हैं. Second question is to whom does the child say good morning? जो बच्ची है वो किसको किसको good morning कह रही हैं? So answer, the child says good morning to the sky, sun, birds, trees, grass and the bees. किसको किसको गुड मॉर्निंग कह रही है? स्काई को कह रही है, सूरज को कह रही है, पक्षियों को कह रही है, पेड़ों को कह रही है, हरे हरे घास को कह रही है और ब्राउनी बीज मधुमक्खियों को कह रही है, मक्खियों को कह रही है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू? बच्चा क्या करना चाहता है? The child wants to go out and play with the sky, sun, winds, birds, trees, grass and bees. बच्चा क्या करना चाहता है? वो इन सारी चीज़ों किसे किसके साथ? Sky, sun, sky मतलब आसमान, sun means सूरज, winds means हवाएं, birds means पक्षी, trees means पेड़, grass मीन्स घास एंड बीज के साथ में क्या करना चाहता है? खेलना चाहता है. सो नाउ दीज आर द न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू आवर पोयम. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू अनदर एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर. थैंक यू.